नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनोगे के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बचपन में मेरी नानी मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी। खुले आसमां के नीचे, छत पर, रात में खाट पर लेटे हुए। जब मैं उनसे पूछती कि ये कहानियां उन्हें कैसे पता चली, तो वो कहती कि ये कहानियां उन्हें उनकी माँ या फिर नानी ने सुनाई थी। कुछ साल बाद जब मैं समझने लायक हुई, तब समझ में आया कि वो सारी लोक कथाएं या फिर फोक टेल्स थी। अब सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े राइटर्स की लिखी हुई कहानियों और लोक कथाओं में क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि लोक कथाओं का कोई एक राइटर नहीं होता, ये मौखिक तौर से मतलब जबानी तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। लोक कथाएं इतनी पुरानी हैं कि ये भी कहना आसान नहीं होगा कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इनका रंग रूप भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही और सुनी जाती है, इसीलिए लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही दिलचस्प लोक कथाएं या फिर फोक टेल्स। एक बार की बात है, एक किसान ने दूध से भरा जग अपने पड़ोसी को दिया और कहा कि ये मैं तुमसे थोड़ी देर में वापस ले लूंगा। थोड़ी देर बाद जब वो दूध वापस लेने गया तो पड़ोसी ने कहा कि दूध तो मक्खियां पी गई, खाली जग है। इस बात पर दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। बात अदालत में पहुंची तो जज साहब ने कहा कि पड़ोसी दूध के पैसे वापस करेगा। पड़ोसी ने कहा कि जज साहब, दूध मैंने नहीं, दूध तो मक्खियों ने पिया है। जज साहब ने कहा कि तुम्हें मक्खियों को रोकना चाहिए था, मतलब कि तुम्हें मक्खियों को मार देना चाहिए था। तो जज साहब, आप मुझे हुक्म दे रहे हो कि मुझे मक्खियों को मार देना चाहिए था? हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद एक मक्खी उड़ती हुई आई और जाकर जज साहब की गाल पर बैठ गई। पड़ोसी ने देखा और खींच के एक चमाट जज साहब के मुंह पर मारा। जज साहब को बहुत गुस्सा आया। जज साहब, ये वही मक्खी थी जिसने दूध पिया। जज साहब तिलमिला उठे, बहुत गुस्से में आए, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने खुद पड़ोसी को थोड़ी देर पहले मक्खी को मारने की अनुमति दी थी। एक बार एक वृद्ध और उसका लड़का अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। पुराने समय में दूरी तय करने के लिए घोड़े, खच्चर इत्यादि की सवारी की जाती थी। उनके पास एक खच्चर था और वो दोनों उस पर सवार होकर के जा रहे थे। थोड़ी दूर जाकर लोगों ने उन्हें देख करके कहा, ए, यो माड़ा खच्चर और दो दो सवार, हे भगवान, जानवर की जान की तो कोई कीमत ही नहीं समझते लोग। बूढ़े ने सोचा लड़का थक जाएगा, इसलिए उसको खच्चर पर सवार रहने दिया और खुद पैदल हो लिया। आगे रास्ते में कुछ और लोग मिले और बोले, यो देखो देखो रे देखो, छोरा सवारी कर रहा है और यो बेचारा बूढ़ा थकान से मरे जा रहा है। लड़का शर्मसार होकर के नीचे उतर गया और उसने वृद्ध से कहा, बापू आप सवारी करो, मैं पैदल चल लूंगा। अब वृद्ध सवारी कर रहा था और लड़का पैदल चल रहा था। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले, भाई यो देखो बूढ़ा सवारी कर रहा है और यो बेचारा लड़का। लोक लाज से बूढ़ा भी नीचे उतर गया। अब दोनों पैदल चलने लगे। आगे रास्ते में फिर लोग मिले, भाई देखो खच्चर साथ में है और दोनों पैदल चल रहे हैं। ए भगवान, मूरख के मूरख। वृद्ध ने कुछ सोचा और लड़के से कहा, बेटा जा तू सवारी कर, जा बैठ। पर पिताजी, बोला ना तू जा बैठ। अरे ये दुनिया ना हमें जीने नहीं देगी,
इस दुनिया को जो बोलना है बोलने दे। अब क्या मैं खच्चर को सर पर लेकर के चलूं? तब क्या ये हमें जीने देंगे? लड़का बाप की और दुनिया की बात समझ गया था। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान था जिसे बहुत पैसे कमाने थे, क्योंकि वो गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि मेहनत करके पैसे कमा के वो अपने लिए एक कार खरीद सके। वो जब कोई कार देखता तो उसका अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ वर्षों बाद उसे अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई और उसके कुछ वर्षों बाद वो एक बेटे का बाप भी बन गया। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसे एक बात का दुख था कि अभी तक वो अपने लिए कार नहीं खरीद सका है। फिर पैसे जोड़कर मेहनत करके आखिरकार उसने अपने लिए कार खरीद ली। उसका वो एकमात्र सपना पूरा हुआ और वो बहुत खुश हुआ। वो अपने कार की अच्छी तरीके से देखभाल करता था और शान से उसे घुमाता था। एक रविवार के दिन वो अपने कार को रगड़ रगड़ के धो रहा था, यहां तक कि कार के जो टायर होते हैं उनको चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा उसके पास ही था। बेटा बाप के आगे पीछे घूम रहा था और कार को धुलते हुए देख रहा था। अचानक उस आदमी ने धोते धोते देखा कि उसका बेटा कार की बोनट पर कुछ खुरच खुरच कर लिख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने बेटे को बहुत पीटा, इतने जोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उंगली टूट गई। दरअसल वो अपने कार को बहुत चाहता था और बेटे की इस हरकत ने उसे बहुत गुस्सा कर दिया था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि चलो देखा कि कार में कितनी खरोच लगी है। जैसे ही वो कार के पास गया उसके होश उड़ गए। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। कार के बोनट पर उसके बेटे ने खुरच खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। एक बहुत बड़े मुल्क का सुल्तान कहीं दूर यात्रा पर एक गांव से गुजरा। रास्ते में वो एक मामूली चाय घर में नाश्ता करने के लिए रुक गया। खाने में उसने ऑमलेट की फरमाइश की। चाय घर के मालिक ने बहुत सलीके से चाय घर के मामूली बर्तनों में ऑमलेट परोसा। मालिक ने टूटे फूटे टेबल कुर्सी और मैले बिछाने के लिए सुल्तान की माफी मांगते हुए कहा, आलम पनाह, मुझे बेहद अफसोस है कि यह मामूली चाय घर आपकी इससे बेहतर खिदमत नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सुल्तान ने दिलासा देते हुए पूछा, ऑमलेट के कितने पैसे हुए? हुजूर आला, आपके लिए सिर्फ सोने की 1000 अशरफियां, चाय घर के मालिक ने कहा। क्या 1000 अशरफियां? सुल्तान ने हैरत से पूछा, क्या यहां अंडे इतने महंगे हैं या फिर यहां पर अंडे मिलते ही नहीं है क्या? जी नहीं आलम पना, यहां अंडे तो खूब मिलते हैं, चाय घर के मालिक ने कहा, लेकिन आप जैसे सुल्तान कभी नहीं मिलते। मेक्सिको देश के एक नगर ज़ाकाटेक से थोड़ी दूरी पर एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके खेतों में भी कभी इतनी फसल नहीं हुई थी कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को भरपेट खाना खिला पाता। वो हमेशा ऐसी उम्मीद में रहता था कि शायद आने वाले साल में फसल अच्छी हो जाएगी, पर इसके उलट फसल पहले से कम होती गई और परिवार बढ़ता गया। वो कई बार अपने हिस्से का खाना अपनी पत्नी और बच्चों में बांट देता। एक बार वो किसान अपनी पेट की भूख से इतना ज्यादा दुखी हो गया कि उसने किसी का मुर्गा इस इरादे से चोरी कर लिया कि कहीं दूर दराज एकांत में जाकर बैठ के पूरे स्वाद के साथ इसे खाएगा और तसल्ली से अपने पेट की आग बुझा सकेगा। उसने एक पतीला लिया और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। छुपने के लिए उचित जगह ढूंढकर सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा कर लाया।
फिर उसने पत्थरों का चूल्हा बनाकर आग जलाई और पतीले में मुर्गा पकने के लिए डाल दिया। जब मुर्गा अच्छी तरह से पक गया तो उसे नीचे उतार कर वो उसके ठंडा होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। फिर जब वो खाने लगा तो क्या देखता है कि सामने से एक आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। किसान ने झट से पतीला उठाया और झाड़ी में छुपाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे ईश्वर, ऐसी बुरी किस्मत भी ना हो किसी की, क्या अब यहां पहाड़ियों में भी छुपकर खाने की इजाजत नहीं है तेरी तरफ से। इतने में वो अजनबी किसान के पास आकर बोला, सुप्रभात मेरे दोस्त। किसान ने भी जवाब दिया, सुप्रभात सुप्रभात, तुम यहां अकेले में क्या कर रहे हो दोस्त? मैं यहां बस थोड़ा आराम कर रहा था। और आप इधर कैसे? मैं बस इधर थोड़ा घूमने निकला था, आपको देखकर सोचा कि शायद आपके पास मुझे खाने को कुछ मिल जाए। नहीं नहीं, मेरे पास तो अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे ऐसा मत कहो दोस्त, ये तुम्हारे बगल में एक आग तो जल रही है, देखो ये तो मैंने अपने सेकने के लिए जलाई थी। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें अभी झाड़ियों में एक पतीला छुपाते हुए देखा है, पके हुए मुर्गे की खुशबू यहां तक आ रही है। किसान खींच कर बोला, हाँ हाँ है मेरे पास पका हुआ मुर्गा, लेकिन मैं उसमें से किसी को कोई भी हिस्सा नहीं देने वाला हूं, चाहे मेरे बच्चे ही क्यों ना आ जाए, मेरी पत्नी ही क्यों ना आ जाए। आज मैं जिंदगी में पहली बार भरपेट खाना खाना चाहता हूं। इतने पत्थर दे लवाना दोस्त, अच्छा मुझे एक बोटी ही दे दो। भाई मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैंने कह दिया ना कि मैं यहां जिंदगी में पहली बार अकेले भरपेट खाना खाने आया हूं। देखो तुम मुझे इसमें से जरूर थोड़ा सा हिस्सा दे दोगे। तुम मुझे ना इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जानते जो नहीं हो कि मैं कौन हूं। अच्छा तू कौन है बता, तू कौन है बता। मैं ईश्वर हूं, तेरा मालिक है। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तेरे साथ मैं अपना खाना बांटूं, क्योंकि तू कभी इंसाफ नहीं करता। कईयों को तो तू बहुत कुछ देता है, जो तुझे अच्छे लगते हैं उनको तो तू सब कुछ देता है, महल माड़ियां घोड़े गाड़ियां, और मुझ जैसे कई लोगों को एक एक दाने के लिए तरसाता है। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो शायद मैं उसके साथ अपना खाना बांट भी लेता, पर तुझे तो हरगिज नहीं। चल जा अपने रास्ते जा। ईश्वर ने किसान के साथ बहुत अच्छी खासी बहस की, पर किसान राजी ना हुआ। थक हार कर ईश्वर अपने रास्ते चले गए। अब जब किसान पतीले की तरफ बढ़ा तो फिर एक अजनबी उसके पास आ खड़ा हुआ। ये अजनबी बहुत ही कमजोर दिख रहा था, उसका रंग भी पीला पड़ा हुआ था। उसने किसान से कहा, सुप्रभात दोस्त, तुम्हारी सुबह भी शुभ हो। किसान ने जवाब दिया, दोस्त क्या तुम्हारे पास मेरे लिए खाने को कुछ है? नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अपने खाने के लिए भी नहीं है। नहीं दोस्त ऐसा मत कहो, मैंने अभी तुम्हें उस अजनबी के साथ बहस करते सुना था, उसने कहा था कि तुमने अभी एक पतीला है जो झाड़ी में छुपाया है जिसमें एक पका हुआ मुर्गा है। ले, तुझे भी पता चल गया? ठीक है, पता चल गया तो चल गया, तो तुझे ये भी पता चल गया होगा कि जो मेरे साथ बहस कर रहा था वो कौन है। वो भूखा ईश्वर था। अरे जब मैंने उसको कुछ नहीं दिया तो तेरी क्या हैसियत है? अरे वो ईश्वर था जो सबको एक बराबर नहीं देखता, किसी को सब कुछ दे देता है और किसी को इतना दे देता है कि संभाल ही ना संभले। तो छोड़ो, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं, मैं इसमें से किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। देखो दोस्त, तुम मुझे ना इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम इनकार ना कर सकोगे। ठीक है, चल तू ही बता दे, तू भी बता ले कौन है तू। मैं हूं मौत का फरिश्ता। तू मौत का फरिश्ता है? अरे तेरे साथ तो मैं अपना खाना जरूर बांटूंगा, क्योंकि मौत जो है ना वो बगैर किसी भेदभाव के सबको अपने साथ ले जाती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मोटा हो या पतला, गोरा हो या काला। बात यह है कि मौत सबको गले लगाती है, सबके साथ इंसाफ करती है। तू मौत का फरिश्ता है ना, इसलिए मैं तेरे साथ अपना खाना जरूर बांटूंगा, तो रुके। ये कहकर किसान पतीला लेने झाड़ियों की तरफ चला गया। ये कहानी एक जुलाहे की है जो बहुत सारी रुई लेकर सूत काटने के लिए जाता है। बहुत चलने और
काम करने के बाद जब वो थक जाता है तो नदी किनारे जाके कुछ आराम करना चाहता है, पर अचानक ही बहुत जोर से आंधी तूफान आता है और उसकी सारी रुई उड़ जाती है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं घर में अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तो इसी रुई से अपने घर को चलाता हूँ, इसी से मेरी कमाई होती है और इसी से मेरा घर चलता है, मेरी रोजी रोटी चलती है, तो मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा। तब उसकी बात एक ध्यान में आती है कि वो सोचता है कि ठीक है, अगर मुझे बहाना ही लगाना है तो मैं ये कह दूंगा कि सारी रुई फुर्र हो गई और वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। बस यही सोच के वो वहाँ से चल पड़ता है और रास्ते में ये कहता रहता है फुर्र फुर्र फुर्र। लेकिन जब वो थोड़ी दूर जाता है तो वहाँ पे एक चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने की खात पे बैठा होता है। जैसे ही वो चिड़िया पकड़ने वाला होता है तो दूर से ही जुलाहे की आवाज़ आती है फुर्र फुर्र, और वो सारी चिड़िया उड़ जाती है। अब चिड़ी मार को बहुत जोर से गुस्सा आता है, वो जुलाहे को अपने पास बुलाता है और कहता है ए तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये क्या फुरफुर लगा रखा, मेरी सारी चिड़िया उड़ गई, देखा अब मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो जुलाहा कहता है भैया जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, वो तो मैं खुद घबरा गया हूँ कि मैं जब घर जाऊँगा तो मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा कि मेरी सारी रुई कहाँ गई, क्योंकि सारी रुई तो उड़ गई, इसीलिए मैंने सोचा कि रुई का बहाना दे दूंगा और वो कह दूंगा कि आंधी तूफान में सारी रुई फुर्र हो गई। तो चिड़ी मार कहता है सच बोल रहा है, तो वो कहता है हाँ, तो कहता है कि चलो ठीक है अब की बार मैं जाने देता हूँ, लेकिन अब तुम फुरफुर मत कहना, अब कहना पकड़ो पकड़ो ठीक है, और चलो यहाँ से सीधा निकल जाओ। तो वो कहता है ठीक है भैया, और वो फुरफुर की जगह अब कहने लगता है जुलाहा पकड़ो पकड़ो, और रास्ते पे जोर जोर से ये कहने लगता है पकड़ो पकड़ो। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पे दो चोर पैसे गिन रहे होते हैं और उनको आवाज़ आती है पकड़ो पकड़ो, तो वो डर जाते हैं कि यहाँ जंगल में कौन आ गया जो उनको पकड़ो पकड़ो कह रहा है। जब वो दूर से देखते हैं तो वहाँ एक आदमी पकड़ो पकड़ो जोर की चिल्ला रहा हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। वो दोनों जाके जुलाहे को दबोच लेते हैं, दबोचने के बाद पकड़ने के बाद वो उससे कहते हैं क्यों तू हमें पकड़वाना चाहता है, इसलिए हमें पकड़ो पकड़ो कह रहा है। तो वो कहता है नहीं भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो मैं वहां पीछे से गुजर रहा था तो वहां एक चिड़ी मार ने मुझे कहा कि फुरफुर की जगह अब तुम पकड़ो पकड़ो कहना, तो इसलिए मैं पकड़ो पकड़ो कहने लगा। तो चोर कहता है सच बोल रहा है, वो कहता है हाँ भैया, तो कहता है चलो सीधा निकल जाओ, लेकिन अब फुरफुर और पकड़ो पकड़ो की जगह पे कहना, ये यहाँ रखो और ढेर सारे लाओ और फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तो वो हाथ जोड़ता और वो कहता है ठीक है भैया जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसा करूँगा, और वो वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि इसे रखो यहाँ और ढेर सारे लेके आओ। लेकिन वो जिस गांव के करीब से गुजर रहा होता है वहाँ एक शमशान घाट होता है और वहाँ पे बहुत सारे शवों को लेकर बहुत सारे गाँव वाले आते हैं। अब बाद में पता चलता है कि वहाँ पे हैजा फैला होता है और हैजे के कारण बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, लेकिन जुलाहे को तो ये बात पता नहीं थी। तो जुलाहा तो रास्ते में जोर जोर से कहते हुए आ रहा था इसे यहाँ रखो और ढेर सारे लाओ, इसे यहाँ रखो और ढेर सारे लाओ। वहाँ गांव वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उसको धर दबोचते हैं और खूब पिटाई करने लगते हैं। वो बच कैसे तैसे जाता है और वो अपनी सफाई देता है और कहता है मैं जानबूझ के नहीं कह रहा था, वो तो मैं जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ पे चोरों ने मुझे कहा कि ये पकड़ो पकड़ो फुरफुर छोड़ो और अब ये कहो कि इसे यहाँ रखो और ढेरों लेके आओ, तो मैं ये कहने लगा। तो गांव वाले कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ध्यान रखना, नहीं तो तुम ये देखो हमारे यहाँ पे पूरे गांव में हैजा फैला हुआ है, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई हैं, शर्म की बात है, चलो यहाँ से सीधे जाओ, लेकिन अब ये पकड़ो पकड़ो फुरफुर और इसे यहाँ रखो और ढेरों लाओ की जगह ये कहो। कितनी बुरी बात है, ओहो हो कितनी बुरी बात है, ओहो हो, और ये सुन के आगे निकल जाओ। वो जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाता है और चला जाता है। अब जब वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर एक बारात बाराती सब जा रहे होते हैं। तो वो जब बाराती उसको ये कहते हुए सुनते हैं कि ओहो हो बहुत बुरा हुआ, कितनी बुरी बात है, ओहो हो बहुत बुरा हुआ, कितनी बुरी बात है, ये सुन के बारातियों को गुस्सा आता है, बाराती उसे धर दबोचते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। और जब पिटाई करते हैं तो वो जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और सफाई देने में ये कहता है कि वो तो मैं जंगल से आ रहा था, फिर एक गांव पड़ा तो गांव वालों ने मुझे कहा कि फुरफुर छोड़ दो, पकड़ो पकड़ो छोड़ दो, इसे यहाँ रखो और बहुत सारे लाओ छोड़ो, उसकी जगह ये कहो कि ओहो हो बहुत बुरा हुआ या कितनी बुरी बात है, इसलिए मैं ये कहने लगा। तो बाराती कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ध्यान रखना, यहाँ से सीधा निकल जाओ और अब की बार ये चारों चीज़ें कहने की बजाय ये कहो भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, क्या बोलोगे। तो जुलाहा कहता है भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, तो बाराती उसे वहाँ से जाने देते हैं।
पर बहुत देर तक थक जाने के बाद और वहां से गुजरने के बाद शाम हो जाती है, और शाम हो जाने के बाद रात हो जाती है। तब उसको एक बात याद आती है कि उसकी बीवी उसे कह चुकी होती है कि अगर रात हो जाए तो किसी जगह पे अच्छी जगह को देखकर वहां पे ही रात गुजार लेना और अगले दिन आ जाना। तो वो जैसे तैसे एक जगह ढूंढता है और वहां जाके सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह में एक बार पानी का छपाक आता है और वो डर के उठ के बैठ जाता है और वो देखता है कि अरे वो तो अपने घर में होता है। और वो इतनी जोर से खुशी से चिल्लाने लगता है, अरे मैं तो अपने घर पे हूँ, ओ हो मैं तो अपने घर पे हूँ। और सामने देखता है कि उसकी बीवी एक लोटा लेके जिसमें पानी भरा होता है, जिससे कि वो उसके ऊपर पानी का छपाक मारती है। तो वो खुश हो जाता है और कहता है, भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले।